कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक प्रधानाचार्य गुरु छात्र जिन के बालक यहाँ पढ़ते हैं वो अभिभावक और ग्राम के गणमान्य व्यक्ति अपना ये जो संस्कार के लिए चल रहा है ये कौन चला रहा है इसके पीछे क्या भाव है इसके बारे में एक दो चार प्रकार की बातें मैं आपके सामने रखूंगा। गीता स्कूल चलता है यहाँ 1972 से। उस गीता स्कूल की प्रबंध समिति वहाँ के आचार्य द्वारा ये उनके सहयोग से प्रयास से ये संस्कार भी प्रारंभ हुआ था। 46 के बाद 1952 में गोरखपुर में विद्यालय प्रारंभ हुआ और देश भर में ऐसे अलग अलग जगह विद्यालय हुए। इन सब विद्यालयों को कौन चलाता है तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नाम की एक संस्था चलाती है। वो पूरे देश भर में चलने वाले सभी प्रकार के विद्यालयों का संचालन करती है, सभी प्रकार के विद्यालयों का मार्गदर्शन करती है। देश भर में जैसे अपना नारायणगढ़ का गीता स्कूल है ऐसे कितने स्कूल चलते हैं? 13,000 स्कूल चलते हैं। उन 13,000 स्कूलों में तो अलग अलग प्रांत वाइज करेंगे तो अपने हरियाणा प्रांत में ऐसे 72 स्कूलों का संचालन ये विद्या भारती करती है। फिर जैसा अपना ये संस्कार केंद्र चलता है यहाँ दो चलते हैं, एक नारायणगढ़ में चलता है, इस विद्यालय के द्वारा 3 संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। ऐसे देश भर में कितने संस्कार केंद्र हैं तो पूरे देश भर में एक 12,000 संस्कार केंद्रों में एकल विद्यालय है। बैतूल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बैतूल का जो इलाका है और इनके सहयोग के कारण ही बच्चों में और दीदियों को भी उस समय समय पर बताती रहती है कैसे सिखाना है, तो इस परिवार का विशेष कर काफी सहयोग है। मंजू दीदी भी यही गांव से हैं, ये भी विद्यालय में शिक्षिका हैं, जो इन्होंने आज गीत गाए हैं और हारमोनियम भी कई बच्चों को सिखा चुकी हैं, तो खुद गीत संगीत में बहुत पारंगत है। तो आपके संस्कार केंद्र पर आएंगे तो आपको भी न केवल गीत संगीत सिखाएंगी और म्यूजिक में और इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखाएंगी। विद्यालय अपने जो भवन है जो संसाधन है उसका उपयोग भी संस्कार केंद्र के बच्चों के लिए खुला रखता है। नारायणगढ़ संस्कार केंद्र के बच्चे कंप्यूटर लैब में भी आते हैं, कभी कभी कंप्यूटर लैब का उपयोग करते हैं, स्कूल की बसेस का उपयोग भी उनके लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे भी गए थे पीछे भ्रमण में तो कहीं इनको घुमाना है, विद्यालय के जो संसाधन है वो इन संस्कार केंद्र के बच्चों के लिए भी है, वो जो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसका सदैव उपयोग कर सकते हैं। और दीदी का विशेषकर इसमें सहयोग रहता है, इन संस्कार केंद्र के बच्चों को जो एक संभाल की दृष्टि से चाहिए स्थानीय यही गांव में रहने के कारण आप संभाल करती हैं। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से या वैसे तो हमारे विद्यालय परिवार का हिस्सा है परंतु पूरे परिवार का दीदी का विशेषकर इसके बारे में हो सकता है सबको ज्ञात ना हो क्योंकि हम में से आप कुछ भैया बहन तो हैं जो नीचे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप बड़ी कक्षा में आ गए तो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने वाला नया आचार्य कौन आ गया है तो कई बार नहीं पता होगा, तो आप वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगामी समय में अपने विद्यालय की छुट्टी कब होगी, अगले महीने कौन सी छुट्टी होने वाली है, तो छुट्टियों की जानकारी भी वेबसाइट पर होगी। अपने आवासीय में क्या क्या गतिविधियां होने वाली, विद्या भारती देश की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तो नगर में रहने वाले लोग उनकी शिक्षा के लिए काम करती है, गांव में रहने वाले लोग उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनकी शिक्षा के लिए भी विद्या भारती काम करती है। और ये जितने प्रकार के संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं उन संस्कार केंद्रों में 2-3 प्रकार की बातें प्रमुख रूप से आग्रह रहता है। पहली बात है कि वो बालक, ये विद्यालय परिसर का चित्र है, कक्षाओं का है, लैब्स का है, खेल के मैदान में चलते हुए हमने से कुछ बढ़िया रहे होंगे इसमें इस चित्रों में। ये विज्ञान मेले का है, ये वार्षिक उत्सव का चित्र है आपका, ये पुरस्कार देते हुए 1500 में, ये जो भी तृतीया ही बहन आपने निकल पूरा का पूरा यहाँ पर एड्रेस है, सुभाष चौक है, सुल्तान रोड है, पूरा कॉलोनी नारायणगढ़ है, पूरा का पूरा जानकारी है।
बाद में इसमें फोन नंबर आदि भी सारा डल जाएगा, फोन नंबर है, वेबसाइट अपना ईमेल आईडी है, वो भी सब डलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्राथमिक चीजें आपको जानकारी दी है, हम घर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आदमी लोन जो भी है तो बाद में धीरे धीरे डेवलप होगी, कुछ नई चीजें और धीरे 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 जिनके जिम्मे है वो करते रहेंगे, बात को हर बार बोले वो नई चीज उसमें से मिलने वाली है। ठीक, धन्यवाद।